मूर्ख बगुला और नेवला। चित्रकूट पर्वत के नजदीक एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक बगुले घोंसले बनाकर रहते थे। उसी वृक्ष के तने में बने एक कोटर में कालिया नाम का एक नाग भी रहता था। गुड मॉर्निंग। कालिया नाग मौका लगते ही बगुले के अंडों एवं बच्चों को खा जाया करता था। आज मैं सुबह का नाश्ता अंडे से ही करूंगा। चलो, नाश्ते का समय हो गया है। सुंदर और स्वादिष्ट नाश्ता। सारे बगुले नाग द्वारा बार बार अपने अंडे और बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी थे। लगातार घट रहे घटना से उत्साही नाम का एक बगुला बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, अरे उत्साही बगुले, क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? तुम तो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, आज अचानक इतने रो रहे हो? केकड़े भाई, बात यह है कि हमारे अंडों एवं बच्चों को दुष्ट कालिया नाग बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता कि किस प्रकार इस नाग का नाश किया जाए और उस नाग से हमें छुटकारा मिल जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। अच्छा, ये बात है। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला तो मेरा जन्म से ही बैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कालिया नाग के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यही मौका है एक तीर से दो निशाने साधने का, कि सांप भी मर जाए और मेरे जन्म से बैरी ये बगुला भी। तब केकड़े ने कहा, ठीक है, अब बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो उत्साही बगुला, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो तुम मानते हो ना कि मछली पकड़ने में तुम उस्ताद हो? हाँ हाँ, एकदम। तो तुम्हारा काम तो वैसे ही आसान है, पास में ही नेवलों का बिल है। मैंने विचार किया तो एक उपाय नजर आया। तुम ऐसा करो कि सरोवर से बहुत सी छोटी छोटी मछलियां पकड़कर लाओ और उन्हें नेवलों के बिल से लेकर कालिया नाग के बिल तक बिछा दो। मछलियां खाते खाते नेवले नाग के बिल तक पहुंच जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो बगुले कि नाग और नेवलों का तो स्वाभाविक बैर होता है। हाँ हाँ, मछलियों के साथ साथ वे नाग को भी मारकर खा जाएंगे। इस तरह से तुम्हारा काम बन जाएगा, समझे? अरे वाह केकड़ा भाई, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। लेकिन यह उपाय करने पर कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मेरा भरोसा रखो। और तुम तो वैसे भी स्वयं काफी समझदार हो। अरे बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और हम लोग नेवलों के बिल के पास आ गए। मैं अभी जाकर अपने साथियों को बताता हूँ। तब बगुले ने यह बात अपने अन्य साथियों को भी बताई। नहीं, ऐसा मत करना, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम लोगों को इस संबंध में अपने सबसे वृद्ध और अनुभवी ज्ञानी बगुले की सलाह लेनी चाहिए, जिनकी बात को सारे बगुले माना भी करते हैं। उन्होंने पास के ही एक बड़े वृक्ष पर अपना आश्रय बना रखा है। सही कह रहे हो भाई, अनुभव भी एक बड़े काम की चीज होती है। तो चलो, हम सब चलते हैं। सारे बगुले उड़कर ज्ञानी बगुले के पास जाने लगे। हमें अपना काम सिर्फ जोश में नहीं, होश में रहकर करना चाहिए, नहीं तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। अब सारे बगुले ज्ञानी बगुले के पास पहुँचे। क्या बात है बच्चों,
क्या परेशानी है? इसके बाद सभी बगुलों ने अपनी अपनी बात रखी। देखो, तुम सभी की बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और ठीक से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हड़बड़ी में किया गया कोई भी कार्य अक्सर असफल होता है। इस मामले में यदि कालिया नाग हमारा दुश्मन है तो नेवला भी कोई दोस्त नहीं है, समझे? इसलिए ये अच्छा रहेगा कि तुम लोग दूसरे दिन आओ, ताकि इस पर मैं अच्छी तरह और गहराई से विचार कर लूं कि क्या करना ठीक रहेगा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। इसके बाद सारे बगुले अपने अपने घोंसले में आ गए, लेकिन उत्साही बगुला अत्यंत बेचैन था। कालिया नाग की हरकतों से दुखी और परेशान भी था, इसीलिए वह हर हाल में नाग से अपना पतला लेना चाहता था। मैं दूसरे दिन का इंतजार नहीं कर सकता, पर क्या करूं? मैं कैसे बदला लूं? यदि कालिया नाग से लड़ाई करता हूं तो नाग मुझे भी मार देगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि केकड़े भाई द्वारा बताया गया उपाय ही ठीक है। अरे, ज्ञानी बगुला तो वैसे भी बूढ़ा हो गया है और उसका दिमाग भी सठिया गया होगा। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अरे, आखिर हम भी तो समझदार हैं, मैं तो अकेले ही मजा चखा कर रहूंगा। और बदला लेने की धुन में उत्साही बगुले ने आगे पीछे कुछ न सोचा। उसने वृद्ध और अनुभवी ज्ञानी बगुले की सलाह का भी इंतजार नहीं किया और केकड़े के द्वारा बताए उपाय के अनुसार तालाब से काफी मछलियों का शिकार किया और उसे नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक रास्ते में बिछा दिया। जब नेवला अपने बिल से निकलकर खाने की तलाश में आया तो मछलियाँ देखकर काफी खुश हुआ। अरे, ये क्या चमत्कार है, इतनी सारी मछलियाँ, अभी बुलाता हूँ दोस्तों को। तभी कई नेवले बिल से बाहर आए और सारी मछलियों को चट कर गए, लेकिन जैसे ही उस भयंकर कालिया नाग के बिल के पास आए, अच्छा, तो ये मेरा पुराना दुश्मन भी यहीं पर है। नेवले और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हुआ। और नेवले ने कालिया नाग को मार गिराया। चलो, आज तो मजा आ गया। मछलियों का स्वादिष्ट भोजन करने के साथ साथ नाग को भी मार गिराया। अब अपने घर चलते हैं। चलो दोस्तों। इस प्रकार से एक मुसीबत का तो अंत हो गया, लेकिन फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत हो गई। अगले दिन नेवला खाने की तलाश में घूमते घूमते फिर उसी सांप के क्वार्टर तक आए। अरे, आज तो मछलियाँ नहीं है, क्या बात है? नेवलों को मछलियाँ ना मिली तो वे भोजन की इच्छा से दाएं बाएं नजर घुमाने लगे। तब उन्हें वृक्ष पर बैठे बगलों के बच्चों का कोलाहल सुनाई दे गया। अच्छा, तो इस पेड़ पर भी हमारे भोजन का इंतजाम है। बस फिर क्या था, भोजन पाने के लिए सारे नेवले पेड़ पर चढ़ गए और बगुलों के अंडे बच्चों को चट कर गए। अरे, ये क्या हो गया दोस्त? अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया। किसी ने सच ही कहा है कि कभी भी कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। किसी के बहकावे में आकर और उतावलेपन में किए गए कार्य अक्सर असफल होते हैं और मुसीबत में फंसने का कारण भी। हमें अपने बुजुर्ग और आदरणीय ज्ञानी बगुले की सलाह का इंतजार करना चाहिए था। अरे, उत्साही बगुले ने अपने अति उत्साह में एक दुश्मन को ठिकाने लगाने के चक्कर में
एक दूसरा दुश्मन तैयार कर दिया और हम सबको संकट में डाल दिया। हमें अपना काम सिर्फ जोश में नहीं होश में रहकर करना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल हमें एक तरफा सोचने में नहीं करना चाहिए। सही या गलत दोनों पक्षों को तौलना चाहिए, तब कोई कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब तो इस वृक्ष पर रहना ठीक नहीं है, चलो दूसरे सुरक्षित जगह। ठीक है, चलो सभी। इस प्रकार सारे बगुले एक नए आश्रय की तलाश में निकल पड़े। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।